प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाती है, जहां पर पुराने से पुराने वाद विवाद, बैंक से संबंधित मामले आदि को समझौता कर निस्तारण करने का कार्य किया जाता है। तो वहीं इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जहां पर पुराने से पुराने वाद विवाद, बैंक से लिए गए लोन आदि का सकुशल निस्तारण किया जा रहा है। जानकारी देते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक अतुल बंसल ने कहा कि जज साहब के साइन कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 15,000 लोगों को नोटिस भिजवाया गया था। इसका मेन मकसद यही होता है कि हमारे मुरादाबाद में जितने भी लोग खराब हैं उनको नोटिस भिजवाकर उनका सकुशल निस्तारण कर उन्हें निपटाया जा सके। लगभग 700 केसों का अब तक निस्तारण किया जा चुका है। जी सर, आज लोक अदालत चल रही है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या समाधान निकल रहा है? देखिए, हमने आज लोक अदालत में बैंकों की तरफ से 15,000 लोगों को नोटिस भिजवाया था जज साहब के साइन करवाकर, और इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमें जितने भी लोन हमारे खराब हैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, उन लोगों का निवारण, यानी उन लोन जितने भी खराब हो चुके हैं उनका निवारण इसी मौके पर किया जाए। एक साथ सारे बैंक यहाँ पर इकट्ठे हैं और सभी बैंकों के कस्टमर जिनके NPA हैं उनको बुलाया गया है, और लगभग हमें 700 से 800 केस यहाँ पर सेटल होते दिखाई दे रहे हैं। तो 700 से 800 केस सेटल होने की संभावना। और किन किन मामलों का निस्तारण किया जा रहा है यहाँ? सिर्फ हमारा, देखिए यहाँ पर BSNL वाले भी बैठे हैं और अलग फाइनेंस कंपनीज वाले भी बैठे हैं, जैसे कैपिटल फाइनेंस, श्री राम ट्रस्ट और बाकी सब जो दूसरी कंपनियां हैं बैंकों के अलावा, वो भी यहाँ पर। कब कब लगती है लोक अदालत? इस बार ज़्यादा समाधान हो रहा है या पहले ज़्यादा हुआ था? देखिए, लोक अदालत वैसे तो 3 महीनों के गैप में लगती है, पर इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण फरवरी में ना लगकर मार्च में लग रही है, और अगली लोक अदालत मई में लगेगी। पर इस बार कस्टमर ज़्यादा है पिछली बार की बजाय, और क्योंकि हमने नोटिस भी इस बार बहुत ज़्यादा भेजे हैं, तो संभावना है कि केस भी हमारे ज़्यादा सेटल होंगे इस बार। बैंक से लिए गए 50,000 के लोन का निस्तारण कराने आई महिला का कहना है कि हमने 50,000 का लोन लिया था, जो अब राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करके 13,000 रुपए जमा करना पड़ रहा है, जिसकी हमें बेहद खुशी है।